गोरखनाथ मंदिर व श्री राम कथा प्रेम यज्ञ समिति के तत्वाधान में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की स्मृति में आयोजित 9 दिवसीय रामकथा के 6वें दिन रामकथा मर्मज्ञ मुरारी बापू ने 84 सिद्ध वन नवनाथ धारा को व्यासपीठ से प्रणाम करते हुए कहा, राष्ट्र देव भवा, प्रेम देव भवा और परस्पर देवो भवा। मुरारी बापू द्वारा किए जा रहे रामकथा का मुख्य विषय मानस जोगी है, जिसमें मुरारी बापू का पूरा ध्यान नाथ परंपरा एवं योग की महिमा पर है, जिससे पूरा गोरखपुर योगमय एवं मानसमय हो गया। मुरारी बापू के मुखारविंद से रामकथा के साथ साथ मानव जोगी पर कथा सुनकर लोग कभी भाव विभोर हो जाते तो कभी कभी मुरारी बापू द्वारा बीच बीच में कीर्तन कराकर व श्रद्धालुओं की भक्ति की मंदाकिनी प्रभावित करते रहते हैं। कीर्तन के दौरान रामकथा सुनने आए लोग अपने आप को रोक नहीं पाते और माहौल भक्तिमय हो जाता है। पांडवों के महल में विभीषिका और दारुण करुणा ये है बाप है कि जब वो गए तब युधिष्ठिर जुआ खेल रहा था। काश में आदमी मनोरंजन के लिए जुआ खेल रहा, यहां किसी के शव बिना जलाए पड़े देखा तो वो जालंधरी के साथ बैठा बैठा बातचीत करता है, यहां जानो मर गए जालंधरी के साथ बात करता, यहां मनोरंजन पूरा हुआ तो युधिष्ठिर देवी का के पास चला गया, एक पत्नी देवी का देखा तो अर्जुन सुभद्रा के पास बैठा, हास्य भी लोग कर पर यहां हजारों लोग तब कृष्ण ने देखा एक टोने में द्रौपदी ने महाराज आपने तो ये दृश्य देखा, पांचों से ब्याही लेकिन वो सब अपनी अपनी मानितियों के साथ बैठे, मेरे सामने कोई देखता तक नहीं पर अपने तेरी शरण वो कुछ भी करे वो भी मुझे द्वारिका ले चलो सप्तम कृष्ण का परम वैष्णव भक्त है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। उद्धव ने कहा, गोविंद माफ करना मैं तेरा भगत हूं लेकिन पूछो इस सब का कारण तू नहीं है, तू नहीं है। अब खुलासा बोलता है, आपने 5 गांव मांगा और युद्ध दुर्योधन ने ना दिया, इतना हल्का था कि 5 गांव मांगो और युद्ध जता हो तो 5 गांव ले लो, लेकिन आपने 5 गांव का जो नाम दिया था, क्या पानीपत मांग लिया तुमने, बागपत मांग लिया तुमने, भागपत मांग लिया तुमने, इंद्रपुत्र 5 गांव 60% तुमने संपत्ति मांग ली थी, 5 गांव का नाम था ये चाला थी आपने। महाभारत काल में तुम भी किस कारण विराट को
विराट रूप का दर्शन करवाया था जब उतंग ऋषि ने पूछा क्या किया गोविंद तूने, क्या किया? ये संहार रोका नहीं जा सकता, ऋषि शाप देने कनिक ऋषि साथ में। और यार उतंग, अब उतंग साथ न दे इसलिए कृष्ण उतंग को भय दिखाने के लिए विश्व रूप दिखाए। ये क्या शाप के भय से तुम उसको भयभीत करता? दूसरी बात, पहले बालपन में आपने यशोदा को विश्व दिखाया, माटी खाई मिट्टी खाई, क्या जरूरत थी उस सब? बड़े महत्व के प्रश्न पूछते। तीसरी बार आपने विश्व रूप का दर्शन कराए, कर्म नहीं है उल्टा सुलटा हो जाएगा। तीसरी बार विश्व रूप का दर्शन आपने जब अक्रूर आपको और दाऊ को लेने आया था और अक्रूर जी को वो स्नान के समय आपने फिर विश्व रूप दिखाया था मथुरा जाते जाते, आपने विश्व रूप का दर्शन। जब तक मुझे उद्धव नहीं लगता ये इतना बड़ा हम श्रम लेने की जरूरत नहीं। चौथी बार का विश्व रूप आपने जब आपको पकड़ने के लिए पूर्व सभा में दुर्योधन ने हुक्म किया पकड़ लो उस वाले को, संधि का प्रस्ताव लेकर तुम गए और उसी समय आओ मुझे कौन पकड़ता है, पर तुमने विश्व रूप पकड़ लिया। पांचवी बार गोविंद मुझे कहने दो आपका विश्व रूप दर्शन करवाया आपने, ये भी मुझे सार्थक लगता है कि अर्जुन को गीता में तुमने जो विश्व रूप दर्शन कराया मात्र सार्थक था। ये सब इतनी तरह लीला करने की क्या जरूरत है? ये परमात्मा है लेकिन किए हुए कर्म फिर जवाब मांगते हैं क्यों किया। वो दिन बीत गए द्वारिका जाने की तैयारी हुई है, 36 साल के बाद परिवार का कोई नहीं होगा तो अकेला मृत्यु पाए फिर तो गांधारी भी बहुत पछताए, रोई भी बहुत। मुझे माफ करना लेकिन मैं भी एक माँ इसलिए मैंने श्राप दिया। विजयादशमी के दिन राफेल खरीदा, हमें मिला हमारा संरक्षण मंत्री तो वहाँ गए और लिया। मैं स्वागत करता हूँ, ये जब नौबत है तब तब ये इस थोड़े प्रैक्टिकल होना, लेकिन एक साधु की अंतरात्मा तो ये पुकारेगी कि क्या धर्म के लिए सबको धर्म स्थापित करना है, धर्म संस्थापना संभवामी युग तू आ युगे युग तेरा स्वागत। युद्ध क्यों? युद्ध मारना काटना क्यों? क्योंकि हमें रामायण में दूध पिलाया है परम धर्म श्रुति विधि। हमारे देहाती लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, खास करके तलगा जड़ा के लोग, तो बेचारे हनुमान चालीसा का पाठ करें ना तो उसका उच्चार शुद्ध नहीं होगा, तो क्या कहते नारद सारद सारंती क्या है पूरी जो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम है वो दो भूत वाला परमात्मा है और लक्ष्मण है वो एक जुग वाला शेष है। स्वामी पर लखन शेषनारायण को 100 जीव होती है लेकिन एक जीव काफी, एक जीव वाला शेषनाथ ऐसा स्वामी जी ने बहुत समझता।
क्या था? सनकादिक ब्रह्मादि मुनि नारद सारद सहिता अहिंसा, ये अहिंसा से कभी नहीं चल रहा कि कोई मुनि कोई महात्मा कोई साधु लेकिन जिस समय अब 5000 पहले साल पहले जरूर इतना तो हो गया, अब अभी भी ये मैं स्वागत कर रहा हूँ कि इसमें कोई बात नहीं। लेकिन देखो मैं अखबार में आज पढ़ रहा हूँ तो मैं कि हमारे राजेंद्र छत्री का बेटा संरक्षण मंत्री बना है, ये अच्छा। और मैं मेरी तलगा जड़ी आंखों से देखकर कहना उसको कोई जरूरत नहीं मेरे निवेदन की, लेकिन मैं गया उसके घर तो मैंने तुरंत गाड़ी में कहा था कि इस आदमी में मुझे शौर्य भी देखता है और धैर्य भी देखता है ना, कोई मुझे लेना देना नहीं। अब राफेल जो हस्तांतरित हुआ अभी 6 महीने के बाद आएगा, लेकिन उस पर उसने ओम लिख करके स्वागत किया तो उसमें भी कई लोगों को आपत्ति होने लगी कि ओम क्या लिखा, ओम क्यों लिखा, ओम क्या, ये छोटी बुद्धि काम कर रही है, ओम लिखा तो ये हमारी मूल संस्कृति है, इसमें क्या बिगड़ गया। युद्ध करते थे हमारे युद्धों में भी तब मंत्र बोल करते थे, उसमें पहले ओम बोला जाता था फिर कोई ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता था, कोई ओम बन करके छोड़ा जाता था, ओम में भी तकलीफ होने लगी सबको। तो मुझे हंसी आ रही थी, अखबार पढ़ता था नारियल क्यों फोड़ा तो तारू माथू फोड़ा नारियल में फोड़ा। कल एक मेरे पास चिट्ठी आई थी कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा देखे जहाँ तक गलत होता है, और एक विभीषण थे अग्रभना है, ठीक है, पूरी लंका जल गई, एक विभीषण का घर जला नहीं, मंदिर मंदिर में हनुमान जी गए और विभीषण का घर भवन भवन ये देख सुहा उसको भवन का उसको मंदिर का, तो बापू कुछ समझ में नहीं आता, थोड़ी बातें ऐसे रखो ना कि समझ में ना आए, सब समझ कर करोगे क्या, उस राज को राज रहने दे। मेरा तो बहुत पुराना निवेदन है कि हनुमान जी, कई लोग कहते हैं कि हनुमान जी मंदिर मंदिर गए थे, मैंने कहा सोचो हनुमान जी, मेरा हनुमान मंदिर मंदिर गया था सीता को खोजने के लिए, आजकल लोग मंदिर मंदिर जाते हैं सत्ता को खोजने के लिए, इतना भक्त क्यों गया है हनुमान, क्यों गया था कतो न देख क्या भूल जाते, कहाँ गया तुम्हारी गंगा ये सब कहाँ गया, ये सब फनी लगता है मुझे, किसी से लेना मैं सबसे डिस्टेंस रखकर बोलता हूँ, लेकिन साधु हूँ निंदा नहीं करूँगा, निंदा तो जरूर, क्यों कोई नहीं जाता। और कई तथाकथित लोग भी ऐसे हैं कि कभी मैं क्या क्या कहूँ, कुछ लोगों को आप बेटा कभी राम जी मंदिर में देखोगे नहीं, शिव मंदिर में बताओ तो मैं मानू, अयोध्या के पास हो तो भी कभी अयोध्या के मंदिर में गई रही कल्पना करो, विष्णु के मंदिर में कभी देखे नहीं। और ये राम जन्मभूमि की जो बात चली जो आज चली, हाँ तो इसमें कभी किसी का एक भी निवेदन आया नहीं, व्यापारी मगन मरीनु नाम ना पड़ा ही। बाप कभी कभी हम मान बैठते हैं कि मंदिरों में तो भक्ति होगी, लेकिन हनुमान जी ने दृष्टि से देखा कि कभी कभी मंदिर में आसुरी वृत्ति के लोगों के मंदिर में भक्ति नहीं होती, मद होता है, मद्यपान होता है, तामस्ता होती है, सोए हुए पाए हैं सबको, इतना फर्क। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब हमारा वो मुल्क है जो बुद्ध देते हैं, हम युद्ध नहीं देने वाले, लेकिन आपातकाल में ठीक है, लेकिन मेरी भीतरी आवाज तो यही रहेगी,
के धर्म के लिए भी युद्ध नहीं हुआ। और विनोबा जी ठीक कहते थे, युद्ध दो धर्म के बीच में कभी नहीं होता, दो अधर्मों के बीच में ही होता। विनोबा जी का बात कर, तो कृष्ण की कथा 5000 साल के बाद में एक बहुत अद्भुत प्रेरणा इसमें जो मूल बात को पकड़ करके थोड़ी गुरु कृपा मैंने व्यक्त की है, और थोड़ा बेटा अपने नाम भूल गए फिर संघर्ष करा, फिर नारेबाजी करा, वीर में अच्छा है कभी उन्हें संकीर्तन हम करें, लेकिन भजन तो ये काम काम मांगा भजन करे यही काम भजन करे यही काम। तो योगी ने कुछ लक्षण जो डायरेक्ट पूछे गए सेंद्रनाथ जी, शून्य क्या है, पूर्ण क्या है, विमर्श क्या है, इतने प्रश्न को रघुनाथ जी ने पूछे मत्स्यनाथ जी, और वो भी है जिज्ञासा करते गए और छोटे छोटे जवाब पूरी नाथ परंपरा। इसलिए मैंने कल भी ये नाथ परंपरा की जो कथाएं हैं वो आज भी इसमें भी गोरखवाणी आज भी प्रासंगिक लगती है, हम जैसे के लिए सरलता से बात कहेंगे। तुलसी ने अपने ढंग से योगी के 32 लक्षण मानस में दिखाए, एक प्रश्न मुझे आ रहा मानस से जुड़ा हुआ, गोरख ने पूछा गुरुदेव संबंध के बारे में आप क्या करेंगे। बेटा संसार में जब तक है तो कोई ना कोई संबंध तो कहीं ना कहीं न चाहते हुए भी हो जाएगा, संबंध रखो लेकिन हर संबंध में लक्ष्मण रेखा जरूरी है। जति के देश में गया आवान जति के देश, और लक्ष्मण रेखा या तो इधर से या तो उधर से जो हुआ लेकिन लक्ष्मण रेखा के कारण ही तो अपहरण का नौबत आई। युवान भाई बहन संबंध रखो, हम सब यूनाइटेड है, संयुक्त है, एक हमारी यूनिटी है। यहाँ वैज्ञानिक लोग तो कहते हैं यहाँ एक टिनका हिलता है तो सूर्य तक खबर पड़ती है, इतने हम भूल जाते हैं। पशु का भी एक निवेदन ऐसा है, सूर्य है लेकिन वो जैसे ही उदिया करके पहाड़ को तोड़ करके बाहर आता है, और हम कितनी ही नींद में हो लेकिन जागने की कोशिश, क्योंकि हमारा कोई संबंध है उसके साथ। जब सायंकाल को सूर्य डूबता है तो हम तुरंत नींद आने लगती, हम सबसे जुड़े हुए हैं, लेकिन लक्ष्मण रेखा जरूरी, पूरा ब्रह्मंडल एक दूसरे से जुड़ा हुआ लेकिन सब एक डिस्टेंस अपनी स्वतंत्रता में डूब रहे, सब टकरा जाए तो महाविनाश। कभी कभी कालांतर में युगों की कथा में घरेलू लड़ाई में लाखों लोग मर गए, लड़ाई घरेलू रामायण का जो युद्ध है वो तो परिवार के बीच में नहीं, एक आसुरी और सूरी दो समाज के बीच में, उस युद्ध को थोड़ा बता रहे न्याय दिया जाता है, एक आसुरी वृत्ति का समाज विश्वकर्मा, एक सूर्य मनुष्य की समाज, तो दो परिवार के बीच में युद्ध नहीं था, और वो भी मानस दाता उनको जिम्मेदारी के साथ वो युद्ध में भी जितने मरे उसको ठाकुर ने पूरा जीवित कर दिया, अब तो जीवित कर दिया, राक्षस नहीं जीवित क्योंकि उसको भगवान ने निर्वाण दे दिया, वो मुक्त हो गया। रहस्यपूर्ण राम कथा में योगी तत्व की चर्चा है, इसलिए गुरु कृपा से हमने इस कथा में इस विषय को बता दिया।
तो माँ नवनाथ का चरित्र, इसमें गोरख का चरित्र तो मुझे बहुत प्रैक्टिकल है और ज्यादा। और मुझे एक श्रोता ने पूछा है कि बाबू जैसे मच्छंद्रनाथ की आपने कथा कही, वो कामरू देश में गए, वहाँ ये हुआ कि जो मैंने बहुत खुल खुल करके साथ देखा आपके पास, तो गोरख के जीवन में कोई ऐसी घटना नहीं, गोरख के जीवन में नहीं थी कोई घटना, स्थल लीला के लिए भी स्थल नहीं गोरख के जीवन में, जिसके ऊपर समर्थ गुरु होता है वो गुरु से भी आगे निकल जाता है, समर्थ गुरु जिसका वो गुरु से आगे निकल जाता है। राम से तुम्हारा भी उत्तर है नांद गयो हनुमान, राम को से तो नाम होता तो हनुमान के नाम कर पा रहे थे गुरु धन्यवाद गुरु अद्भुत। तो बाप मानस जोड़ी चर्चा तात्विक साथी चर्चा के संदर्भ के साथ आपके साथ आई, थोड़ा क्रम ले लो जल्दी जल्दी इससे पूरी। एक तो मेरे घर नाम का संकीर्तन सब प्यार तो बाबा अवैधनाथ जी का भंडारा है तो प्रसाद देना मुझे किशन विशिष्ट शैली से बदल देते हैं और वो स्वामी जी की पंक्ति आ गई।